आदाब के फिनिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में जिस कॉलेज से शुरू हुआ था हिजाब विवाद, भारी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने लिया एडमिशन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार की संभावना पर बातचीत के लिए खड़गे ने पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देगी ओवैसी की पार्टी, मदद के बदले की है ये मांग। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नहीं मिली त्वरित राहत, अब नई मांग के साथ दाखिल हो रही है दूसरी अर्जी। भारत के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, लद्दाख में चीन की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी जनरल के बयान पर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक के उड़पी स्थित गवर्नमेंट विमेन्स प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रवेश की इच्छुक मुस्लिम छात्राओं की संख्या में इस साल वृद्धि हुई है। इसी कॉलेज से सबसे पहले हिजाब विवाद शुरू हुआ था, ये जानकारी उड़पी के विधायक रघुपति भट्ट ने दी, जो कॉलेज विकास समिति के अध्यक्ष हैं। कॉलेज के 6 छात्राओं ने कक्षाओं के भीतर हिजाब पहनने की अनुमति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद वे हिजाब पहनने पर जोर दे रही थी। अदालत ने संस्थानों में ड्रेस कोड का पालन करने का फैसला दिया था। इन छात्राओं ने इस कारण परीक्षा नहीं दी। हालांकि आशंका थी कि हिजाब विवाद के चलते मुस्लिम छात्राओं की संख्या में कमी आएगी, लेकिन 40 छात्राओं ने कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में पहले ही प्रवेश ले लिया है। भट्ट ने ये भी पुष्टि की है कि छात्राएं कक्षाओं के अंदर हिजाब नहीं पहनने पर सहमत हो गई हैं। भाजपा विधायक ने कहा कि हिजाब से संबंधित घटनाओं के बावजूद पिछले शैक्षणिक वर्ष में कॉलेज ने अच्छे परिणाम दर्ज किए हैं। तेलंगाना के हैदराबाद में रचाकोंडा पुलिस ने भाजपा नेता जिट्टा बालकृष्ण रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं तेलंगाना के सीएम पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार हयातनगर थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 109 के तहत, धारा 114, 504, 505(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि एक ऐसे व्यक्ति का अपमान किया गया है जो संवैधानिक पद पर है। तेलंगाना राष्ट्र समिति की सोशल मीडिया विंग ने पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया था। कर्नाटक में भाजपा विधायक अरविंद निम्बावली की बेटी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो पुलिस कर्मियों से बहस करती नजर आ रही हैं। दरअसल ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने पर पुलिस ने उसे रोका था, उसके बाद युवती ने रौब दिखाना शुरू कर दिया और सड़क पर जमकर तमाशा किया। हालांकि पुलिस कर्मियों ने युवती के ऊपर 10,000 का जुर्माना लगाकर सारी हेकड़ी निकाल दी। मामला बेंगलुरु में राजभवन के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार भाजपा विधायक अरविंद निम्बावली की बेटी अपने दोस्तों के साथ BMW कार में सवार होकर कहीं जा रही थी। इस दौरान उसने रेड लाइट को नजरअंदाज किया और ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए आगे बढ़ गई। इसके बाद वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने उसे रोक लिया और उस पर जुर्माना लगाने की बात की। पुलिस कर्मियों द्वारा रोके जाने के बाद युवती आपे से बाहर हो गई और सड़क पर पुलिस कर्मियों से ही भिड़ गई। बताया जा रहा है कि युवती ने स्थानीय पत्रकार और एक कैमरा पर्सन के साथ भी दुर्व्यवहार किया। बहस करते हुए युवती ने अपने पिता के विधायक होने का आरोप भी दिखाया और कार रोकने पर धमकी भी दी। इस दौरान राजभवन की ओर से जाने वाली सड़क पर जाम भी लग गया। मुंबई 9 जून कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बृहस्पतिवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने की संभावना पर सभी समान विचारधारा वाले दलों के साथ बातचीत करने को कहा है। सोनिया के निर्देश के बाद राज्यसभा में विपक्ष के नेता खड़गे ने इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए खड़गे ने कहा कि मुझे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार उतारने के लिए सभी समान विचारधारा वाले दलों के एकजुट होने की संभावना पर चर्चा करने के लिए कहा है। महाराष्ट्र की 6 राज्यसभा सीटों पर हो रहे चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के 2 विधायक महाविकास अघाड़ी के समर्थन में मतदान करेंगे। पार्टी के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष और औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने शुक्रवार को मतदान से पहले अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट थ्रेड में बताया कि BJP को हराने के लिए हमारी पार्टी ने महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को वोट देने का फैसला किया है।
बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए फिलहाल किसी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता नवाब मलिक की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए जेल से रिहा करने की अनुमति मांगी थी। मलिक ने याचिका में कहा था कि या तो उन्हें बॉन्ड पर हिरासत में रिहा किया जाए या मतदान के लिए पुलिस के साथ विधान भवन जाने की अनुमति दी जाए। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें kpnews247@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088830876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीबीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उमरा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आइए। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उमरा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उमरा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स हज एंड उमरा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर
9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, हुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उमरा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आँखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 और 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें, 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहु उपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल स्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें, 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत से लगी सीमा के निकट चीन द्वारा बुनियादी ढांचे का विकास किए जाने पर अमेरिका के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी के बयान की पृष्ठभूमि में शुक्रवार को आरोप लगाया कि बीजिंग के इस कदम को नजरअंदाज कर केंद्र सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। उन्होंने ट्वीट किया, चीन भविष्य में शत्रुतापूर्ण कार्रवाई के लिए बुनियाद तैयार कर रहा है, इसको नजरअंदाज करके सरकार भारत के साथ विश्वासघात कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 10 जून को गुजरात दौरे पर हैं। उन्होंने गुजरात के लोगों को 3054 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने गुजरात के नवसारी में गुजरात गौरव अभियान के तहत कई प्रोजेक्ट और योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गुजरात गौरव अभियान में मुझे इस बात का विशेष गर्व हो रहा है कि वो गौरव इस बात का है कि मैंने इतने साल मुख्यमंत्री के रूप में काम किया, लेकिन कभी भी आदिवासी क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ था। पीएम मोदी ने कहा, आज मुझे गर्व इस बात का हो रहा है कि गुजरात छोड़ने के बाद जिन जिन लोगों ने गुजरात को संभालने का दायित्व निभाया और आज भूपेंद्र भाई और सीआर पाटिल की जोड़ी जिस उमंग और उत्साह के साथ नया विश्वास जगा रही है, उसी का परिणाम है कि आज मेरे सामने 5 लाख लोगों का विशाल जनसमूह है। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनके परिवार ने इस परंपरा का पालन किया कि एक समय पर उसका एक ही सदस्य सक्रिय राजनीति में रहे, ताकि दूसरों को भी मौका मिल सके। सिंधिया ने कहा, मैं इस मुद्दे में नहीं पढ़ना चाहता कि नेताओं के परिवारों को टिकट दिया जाए या नहीं, लेकिन आपने हमेशा देखा होगा कि सिंधिया परिवार से केवल एक सदस्य राजनीति में रहा है। हमने अपने जीवन काल में पिछले 30-40 साल में इसका पालन किया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि सभी को एक मौका मिलना चाहिए। एक परिवार में एक सदस्य का राजनीति में रहना पर्याप्त है। वो यहाँ पत्रकारों के इस सवाल का जवाब दे रहे थे कि आगामी स्थानीय निकाय चुनाव में कितने नेताओं, विधायकों या मंत्रियों के परिवारों के सदस्यों को टिकट मिलना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां तैनात एक मेजर ने अपनी पत्नी की उंगली काट दी। ये मामला दहेज से संबंधित बताया जा रहा है। मेजर की पत्नी का आरोप है कि उसका पति 2014 से दहेज के लिए उसे मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रहा है। दंपति का एक 5 साल का बेटा है। आरोपी मेजर मेरठ के 510 आर्मी बेस पर कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स में तैनात है। वहीं मेरठ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत मीणा ने बताया कि आरोपितों पर घरेलू शोषण और दहेज उत्पीड़न के आरोप में भी मामला दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। मेरठ के सदर बाजार थाना प्रभारी डीएस रावत ने बताया कि मामले में FIR दर्ज की जा चुकी है। नेपाल में इन दिनों कूड़े का ढेर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। चौराहे के पास कूड़े का ये ढेर पर्यटकों को काफी परेशान कर रहा है। वहीं डंपिंग साइट के पास रहने वाले लोगों के विरोध के चलते ये समस्या अब बढ़ती जा रही है। अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में बुधवार को एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में विमान में सवार सभी 5 मरीन की मौत हो गई। मरीन कोर ने हादसे के एक दिन बाद गुरुवार को मीडिया को इसकी जानकारी दी। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के अनुसार MV-22B ओस्प्रे विमान में 5 मरीन के साथ बुधवार को ग्लैमिस के पास इंपीरियल काउंटी के एक क्षेत्र से उड़ान भरी थी। विमान को सैन डिएगो जाना था, जिसकी ग्लैमिस से दूरी करीब 185 किलोमीटर है। मेजर मेसन इंग्लहार्ट ने बताया कि रास्ते में अचानक ये विमान हादसे का शिकार हो गया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में जिस कॉलेज से शुरू हुआ था हिजाब विवाद, भारी संख्या में मुस्लिम छात्राओं ने लिया एडमिशन। राष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार की संभावना पर बातचीत के लिए खड़गे ने पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन के उम्मीदवार को समर्थन देगी ओवैसी की पार्टी, मदद के बदले की है ये मांग। नवाब मलिक को बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नहीं मिली त्वरित राहत, अब नई मांग के साथ दाखिल हो रही है दूसरी अर्जी। भारत के साथ विश्वासघात कर रही सरकार, लद्दाख में चीन की मौजूदगी को लेकर अमेरिकी जनरल के बयान पर बोले राहुल गांधी। पीएम मोदी ने गुजरात को दी 3054 करोड़ की सौगात, कई योजनाओं का किया उद्घाटन। केप न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केप न्यूज 24/7। धन्यवाद।